आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ हिमाचल में कांगड़ा के तंदूरी किंग के पास, जो कि कांगड़ा में लगाते हैं बहुत ही स्वादिष्ट तंदूरी चिकन, और इनका ये तंदूरी चिकन खाने के लिए यहाँ पे लाइनें लग जाती है। तो चलिए चलते हैं अंकल जी से बात करते हैं, उनका तंदूरी चिकन टेस्ट करते हैं। तो देख सकते हैं हमारे चिकन की 2 से 3 बार अच्छे से सफाई हो चुकी है, तो इसको तसले में रखा जा रहा है। ऐसी क्या खास बात है कि लोग यहीं पे तंदूरी चिकन पसंद करते हैं? लोगों को स्वाद लगता आ जाती है, टेस्ट का मतलब है। तो हमारा एकदम फ्रेश चिकन यहाँ पे आ चुका है, अब इसकी मैरिनेशन कर ली जाएगी। तो अंकल जी कितना किलो चिकन लग जाता है? 10-12 किलो। 10-12 किलो अभी क्या डाल रहे हैं? ये लहसुन है, अदरक का है, हींग है। इधर के काफी गाँव है, मेरे गाँव तो मीरपुर तक है। मीरपुर, नदौन, देरा, ये सारे आते हैं, धर्मशाला से आते हैं, शाहपुर से आते हैं, पालमपुर, नगरोटा। तो 10-12 किलो। 10-12 किलो। आगे दुकान नहीं थी मेरी, अकेली दुकान। कांगड़ा में कम से कम 25 दुकानें हो गई। बनाने का पता है नहीं, जो आता है दारू वाले को चाहिए, हम दारू पीने नहीं देते किसी को अपनी दुकान। हमारे पास लेडीज भी आती है। अब इसमें हल्दी डालेंगे, आधे में हल्दी डालेंगे, आधे में कलर डालेंगे, ये वाला बूंदी कलर। नहीं, लड़के मेरे दो करते हैं यहाँ काम, 3 लड़के हैं ना मेरे, शाम को 3 इकट्ठे हो जाते हैं, अकेले आदमी का काम नहीं है ना। और अब ये डाला जा रहा है मसाला, तो अंकल जी स्पेशल रहता है आपका मसाला? हाँ जी। तो मेरे को लगा कि ऐसा मसाला पूरे कांगड़ा में नहीं मिलता। अपना अपना तरीका था सर, खुद ही पीसते हैं मसाला। हाँ जी, खुद पीसते हैं घर में ही, खुद ही पीसते हैं। बाजार वाले मसाले में ऐसा है ना, उसका विश्वास नहीं होता, क्या सर क्या क्या चीज बनाते हैं, क्या नहीं बना देते हैं। तो चिकन को देख सकते हैं हल्दी लगा के अच्छे से मैरिनेट कर लिए मसाले के साथ। नहीं, तब पहले तो मैंने मच्छी का काम की, 72 से लेकर 90 तक मच्छी बेची, 90 के बाद मैंने चिकन किया। तब पहले जब मिलता तब 30 रुपए किलो मिलता, 19 वक्त तो 240 रुपए है। तब मसाले भी सस्ते होते थे, एक कड़ुआ तेल था तो 5 रुपए किलो होता था, मसाले 20 रुपए किलो से कोई भी ऊपर नहीं होता, मसाले 600-600 रुपए किलो, 700। ये कलर जो है हम बुश का कलर भरते हैं, हल्का कलर नहीं भरते। ये जो कंपनी ने पास की है ना, वो कलर है। तो तंदूरी चिकन के अलावा क्या क्या मिलता है यहाँ पे? मेरे पास फिश मिलती है, फ्राई कबाब मिलते हैं, कबाब जो होते हैं वो खुद अपने हाथ से बनाते हैं, रेडीमेड नहीं लेते। हमारे पास मुर्गा, मच्छी सब ताजी मिलती है, ये पेस्ट बना के उसकी। तो तंदूरी चिकन की मेकिंग स्टार्ट हो चुकी है, सबसे पहले हमारे यहाँ पे तंदूर आ चुका है और तंदूर को यहाँ पे अब स्टार्ट किया जा रहा है। तो एक चिकन कितने पीस हो जाते हैं? अभी तो 4 करेंगे बनाने के लिए, उसके बाद जितने मर्जी को करा ले छोड़ेंगे। अभी तो 15 मिनट लगे बाद जैसे ठंडा होता जाएगा, टाइम बढ़ता जाएगा, 15-20 मिनट हो जाते। तो फाइनली देख सकते हो हमारा तंदूरी चिकन बनके यहाँ पे रेडी हो चुका है, अब इसको तंदूर से निकाल लिया जाएगा। तो गर्मा गर्म हमारा तंदूरी चिकन यहाँ पे निकल चुका है, अब इसकी अच्छे से यहाँ पे कटिंग कर ली जाएगी, और इसको कटिंग करके इसको चटनी साथ सर्व किया जाएगा। हाँ, तो तंदूरी चिकन की अच्छे से यहाँ पे कटिंग कर ली जाएगी, और ये आ गया ऊपर से मसाला। तो फाइनली कांगड़ा के फेमस काका चिकन कॉर्नर का तंदूरी चिकन यहाँ पे लग चुका है। तो ये इनकी प्लेट, तो देखो तो एकदम बढ़िया से इन्होंने तंदूरी चिकन लगा दिया है, और ऊपर से डाले गए हैं मसाले, और इसको सर्व किया गया है अनारदाने की चटनी के साथ। तो चलिए चलते इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो ये आ गया इनका भाई लेग पीस, और इसको अच्छे से डिप कर लेंगे तंदूरी चिकन में, इसको अच्छे से डिप कर लेंगे अनारदाने की चटनी में। तो वाकई में इनका तंदूरी चिकन बहुत टेस्टी बना है, एकदम अच्छे से बाहर से इसको रोस्ट किया गया है, और जो चिकन है इनका काफी सॉफ्ट है अंदर से, और एकदम जूसी सा है। खास बात है इनके मसाले और चटनी में, जो उन्होंने ऊपर से मसाले डाले हैं काफी अच्छे हैं, साथ ही साथ जो इनकी अनारदाने की चटनी है उसके साथ इसका कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है। टाइमिंग क्या रहती है दुकान की? हमारे क्या ना, 4 बजे आते हैं हम घर से, फिर रात के 9 बजे तक। और हफ्ते में कितने दिन लगाते हो? सिर्फ मंगलवार को छोड़, मंगलवार नहीं लगाते, मंगलवार मैंने शुरू से नहीं लगाया, मंगलवार जो है वो माता के नाम से रखा हूँ। बस दुकान का 17 नंबर है दुकान का, कढ़ाई या काका चिकन वाला बाकी है, घर तो हमारे पीछे है, यहाँ बस स्टैंड के पीछे छोटी लेन में पड़ते हैं। और एड्रेस बता दीजिए कहाँ पे हिमाचल में है? कांगड़ा, ऊपर मंदिर है माता का, बजरेश्वरी का, ये पूरा शहर कांगड़ा का ही है। तो अगर आप भी कांगड़ा में रहते हो, विजिट कर रहे हो, बढ़िया सा तंदूरी चिकन खाना चाहते हो, तंदूरी फिश खाना चाहते हो, तो यहाँ पे आके इसको ट्राई कर सकते हो। बात कर लिया इसकी प्राइस की, इसके पहले 200
200 रुपीज, तो 200 रुपीज मैंने हाफ प्लेट लगाई है और फुल आपको मिलेगी 400 रुपीज। तो इनके तंदूरी चिकन की मैंने हाफ प्लेट यहाँ पे लगा ली है, तो ये इनकी प्लेट, तो इसमें अच्छे से इन्होंने मसाले डाले हैं और साथ में सर्व किया है इन्होंने अनारदाने की चटनी के साथ। तो चलिए चलते इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो तंदूरी चिकन इनका काफी टेस्टी बना है एकदम, इसको अच्छे से इन्होंने तंदूर किया है और जो चिकन इनका काफी ज्यादा फ्रेश है, अंदर से काफी ज्यादा जूसी है। तो इनकी खास बात यह की जो इन्होंने मसाले डाले हैं, अनारदाने की चटनी दी है, इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा अच्छा है, तो आप इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिए। तो इस तंदूरी चिकन को मैं यहाँ पे जल्दी से फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।